मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की कसरावत कृषि उपज मंडी में एक अज्ञात शिशु को जीवित अवस्था में कोई कृषि मंडी के टोल कांटे के पास फेंक गया। मानवता को शर्मसार करने वाले व्यक्ति की तलाश अभी जारी है। अज्ञात शिशु की सूचना अनिश खान पत्रकार को मिली। अनिश खान मौके पर पहुंचे और वहां पर एक बालक को देखा, सांसें चल रही थी। उन्होंने तत्काल कसरावत थाने पर जिसकी सूचना दी और वार्ड की महिलाएं एवं अनिश खान कसरावत ने बच्चे को शासकीय अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के बाद प्रथम उपचार के लिए खरगोन रेफर किया गया, जहां डॉक्टर राकेश पाटीदार का कहना है कि बच्चे की डिलीवरी घर पर ही हुई है, नाड़े के ऊपर का धागा बंधा हुआ है और बच्चे को जन्म देने के बाद फेंका गया। बच्चा लगभग 2 घंटे पूर्व जन्मा था। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। अभी करीब 1 घंटा पहले मंडी परिसर में टोल कांटे के पास नवजात बच्चा एक कोई फेंक गया था बता रहे हैं वहाँ की महिलाएं। तो मेरे को जैसी ये खबर लगी, मैं भी कसरावत में पत्रकारिता करता हूँ, तो मैंने सबसे पहले बच्चे को देखा कि यार बच्चा थोड़ा जीवित है, तो इसको तत्काल हॉस्पिटल कसरावत के लेके जाए। मैंने सबसे पहले सूचना दी थाने से, फिर हॉस्पिटल में लाए और महिलाएं वार्ड की 2 महिलाएं भी साथ में थी बेचारी, वो भी लेके आई हमारे साथ। और बच्चा अभी स्वस्थ बता रहे हैं डॉक्टर साहब, उसका इलाज और आगे डॉक्टर साहब कह रहे हैं खरगोन भेजने का है रेफर। क्योंकि बच्चा का वजन करीब 1 किलो 200 ग्राम है और उसकी जो गर्भ की उम्र लगभग 7 से 8 माह के आसपास है, तो ये अतः उसका वजन कम होने की वजह से हमें उसे जिला चिकित्सालय एसएमसी रेफर करना पड़ेगा। डिलीवरी कब तक की होगी, कितने घंटे का बच्चा होगा? डिलीवरी करीब करीब मान के चलो 2 घंटे से लगा के आसपास, 2 घंटे के भीतर की होगी, क्योंकि बच्चे का शरीर गर्म है, हाथ पैर ठंडे लग रहे हैं और बच्चे की सांस वगैरह भी व्यवस्थित चल रही है और बच्चे के नाड़े पर धागा बंधा हुआ है, तो कहीं ना कहीं घर में डिलीवरी होने की संभावना है, जिसको कि बाहर अज्ञात जगह पर फेंक दिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।